हेलो एवरीवन, आई टेन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो इनकम टैक्स के बारे में बजट के अंदर क्या आया है उसके बारे में जानते हैं, क्या उसके नुकसान हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं और वो हमारे लिए सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या अनाउंसमेंट आया है, अनाउंसमेंट ये आया है कि इनकम टैक्स में ये कहा गया है कि ओल्ड रिजीम में तो कोई चेंज नहीं किया गया है। ओल्ड रिजीम में पहले था वैसे कि वैसे ही अब है, अब नए वाला रिजीमे है उसके अंदर चेंज किया है। नए वाले रिजीमे के अंदर उन्होंने कहा है कि आपकी जो टैक्स स्लैब है उनको चेंज कर दिया गया है और जो सुपर रिच हैं उनको छोड़ दीजिए। अपने को क्या मतलब है सुपर रिच से, क्योंकि वो 5 करोड़ से ऊपर की पूंजी पे लगता है, उनका 42% लगता था उसको 39% कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये ओल्ड रिजीम है जिसके अंदर सारे डिडक्शन जो ATC ATD जो भी लगते थे वो उनकी छूट मिलती थी ओल्ड वाले रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर यहाँ पे कोई भी छूट नहीं मिलती थी डिडक्शन की, और इनकी टैक्स स्लैब्स आप देख लीजिए ये इस प्रकार से हैं, 5%, 20% और 30% इस प्रकार से थी। ओल्ड वाले के अंदर ये थी और न्यू वाले के अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये 6 टैक्स स्लैब थी। न्यू रिजीम के अंदर इन्होंने टैक्स स्लैब को घटा करके 5 कर दिया है, और टैक्स स्लैब भी यहाँ पे जब पहले 2, 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख ऐसे थी, उसको चेंज करके यहाँ पे 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर का कर दिया है। 5%, 10%, 15% और 20% या 25% यहाँ से गायब कर दिया, 30% है। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पे कहा गया है कि जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कहा गया है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 50,000 और इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि 50,000 है वो यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन और किया है 50,000 का, ठीक है। ये 50,000 इसमें जोड़ोगे तो यहाँ पे 7 लाख प्लस 50,000 7.5 लाख रुपए तक का आपके अगर ग्रोस सैलरी है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजीम में जो कल उन्होंने लॉन्च किया है। न्यू टैक्स रिजीम में उसमें 7.5 लाख तक की ग्रोस सैलरी है तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख की टैक्स सैलरी के बाद में इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके टैक्स देना पड़ेगा। जो ओल्ड वाला टैक्स रिजीम में था उसमें टैक्स अगर आपके 7 लाख, उन्होंने कहा था कि 5 लाख तक की सैलरी पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि 7 लाख तक की सैलरी पे तो आपके ऑलरेडी नहीं लग रहा था पहले वाले ओल्ड वाले में भी। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि आपको 1.5 लाख रुपए तक की तो ATC के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाते थे और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था, तो वहाँ पे आपके 1.5 लाख प्लस 50,000 मिल करके वहाँ पे 2 लाख तो वो हो गए थे और 5 लाख आपके बचे उसमें से। 7 लाख तक की जो ग्रोस सैलरी थी आपकी उसमें से आपके 2 लाख गए तो 5 लाख टैक्सेबल इनकम हो गई। अब उस 5 लाख पे उन्होंने कहा था कि टैक्स नहीं लगेगा तो वो टैक्स नहीं लगता था, तो 7 लाख पे पहले भी नहीं लगता था और अब उन्होंने उसको बढ़ा करके 7.5 लाख रुपये कर दिया है। यहाँ पे ये चेंजेज आए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये बीच वाला जो पहले का टैक्स स्लैब्स के हिसाब से बनाया हुआ था न्यू टैक्स रिजीम में वो तो कोई काम का नहीं था, उसमें तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगते थे। अब सरकार ने ये किया है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी नहीं रखनी है। न्यू टैक्स रिजीम में हमने सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको ना तो ATC में, ना HRA का, ना ATD में किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है हमें। आप सिर्फ ये कर दीजिए कि आपकी जो ग्रोस सैलरी है इतनी बनी और उसके ऊपर टैक्स इतना लगा, सीधा सिंपल तरीके से टैक्स लेंगे। और सच में ये अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को देखोगे तो ये जो उससे भी अच्छा है न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 7.5 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगता है। उसमें थोड़ा सा ये बेनिफिट देने की बात कर रहे थे कि हमने बेनिफिट दिया है, तो बेनिफिट तो ये सिर्फ 50,000 रुपये का उन्होंने बेनिफिट दिया है कि 50,000 रुपये तक की सैलरी जो 7 लाख थी पहले उसके बढ़ा करके 7.5 लाख कर दिया है, 50,000 का जो टैक्स बन रहा है वो आपके नहीं लगेगा उसके ऊपर। परंतु उन्होंने ये नहीं किया, इसमें और भी अच्छा ये हो सकता था कि अगर इसके अंदर ATD के अंदर या ATC के अंदर वो इसके अंदर कोई लिमिट बढ़ाते जैसे 1.5 लाख थी तो उसको 2.5 लाख या 3 लाख रुपए कर दे, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हम ये जो ATD है, ATC है, जो भी अलग अलग सेक्शंस हैं उनसे छुटकारा पाएँ और टैक्स को जो टैक्स सिस्टम है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें। तो यहाँ पर उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और अगले बार से यहाँ पे शायद से हो सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजीमे को हटा ही दें, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीमे है वो बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनी उसके ऊपर सीधा सीधा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से वो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीमे से भी काफ़ी अच्छा है। और रियल में डिफरेंस देखेंगे तो आपकी सैलरी अगर 7.5 लाख या 8 लाख से ऊपर है तो इस न्यू टैक्स रिजीमे के अंदर आपको अच्छा खासा टैक्स के अंदर सेविंग्स होंगी। तो ये टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है वो आपको किस प्रकार की लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।